उर्दू प्राइमरी स्कूल मोदी से एजुकेशन पाया उर्दू मीडियम से चार चौथी क्लास तक, फिर बाद में मुझे पांचवी क्लास से रपानी जूनियर कॉलेज हाई स्कूल में दाखिला मिला। मैं पांचवी से लेके नाइन्थ क्लास तक रपानी हाई स्कूल में तालीम हासिल की। रपानी स्कूल में पढ़ते पढ़ते मैंने थोड़ा सा रनिंग का स्पोर्ट किया क्योंकि मुझे एक शौक था स्कूल पढ़ते पढ़ते कि मुझे आर्मी में जाना है, मुझे मिलिट्री ज्वाइन करना है। तो जनाब अकरम खान साहब, जैसा कि आपने अपनी स्कूली तालीम के बारे में बताया प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल, उसके बाद में आपको मिलिट्री में जाने का कैसा शौक हुआ? क्योंकि नाइन्थ क्लास तक बच्चों को आमतौर से अवेयरनेस या जानकारी नहीं होती है, तो आपको किस तरह से ये जानकारी हासिल हुई या ये शौक हुआ? पहले जमाने में आर्मी के अंदर पाँच क्लास चार क्लास पढ़ा हुआ आदमी भी आर्मी में ज्वाइंट हो जाता था। 1986 से पहले एक जनवरी 1986 से लागू हुआ मैट्रिक पास, मैं आर्मी में ज्वाइन करना है। मैट्रिक पास का भर्ती का जीआर आ गया, लेकिन मैं दो साल पहले 1984 में ही आठवीं क्लास का सर्टिफिकेट देकर मैं आर्मी ज्वाइन के लिए चला गया नागपुर में ज्वाइन के लिए गया। उस टाइम पे हमारे को ज़्यादा तकलीफ नहीं थी, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगते थे। मैं आज रनिंग करके आया और तीन दिन के बाद मुझे बुलाया गया नागपुर में रिक्रूटिंग ऑफिस नागपुर। मैं गया तो बोले बेटा तीन दिन के बाद में आना, बेलगाम ट्रेनिंग सेंटर जाने की तैयारी से आना, आप पास हो चुके हो। रनिंग में मैंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, 1500 मीटर की दौड़ थी, लोगों ने तीन चक्कर मारे तब तक मैं चार चक्कर मार के बैठ गया था। अफसर ने बहुत शाबाशी दिया मेरे को, बोला बेटा गुड। परवेज याकूबी साहब जो डिजाइनर भी है, ऑलराउंडर है, तो माशाल्लाह इंटरव्यू ले रहे हैं आपके सामने, ये तो दिख ही रहा है। अल्लाह उसमें और ज्यादा तरक्की अदा फरमाए। और मैं डॉक्टर तलत अंसारी नाड़ी आयुर्वेदा से, इसमें आप किसको सुनना चाहेंगे ये आपसे दरख्वास्त है कि आप कमेंट जरूर करें। आर्मी ज्वाइन कर ली और उसके बाद में जब ड्यूटी आपकी शुरू हो गई, तो फिर आपको स्पोर्ट्स की अपॉर्चुनिटी किस तरह से मिली, किस तरह से आपने जो अपना खेल का शौक जो है वो पूरा किया? मैं 1984 में 23 अक्टूबर को आर्मी ज्वाइन किया बेलगाम ट्रेनिंग सेंटर कर्नाटक में। उसके बाद 15 दिन तक हम लोग सेंटर में ऐसे ही वर्किंग फिटिंग करते रहे, हमारा ट्रेनिंग शुरू होने का था। 15 दिन के बाद जब हमारे कोर्स के पूरे 160 आदमी आ गए भर्ती हो गए नए बैच, तब हमारे चार प्लाटून बनी और उसके बाद हमारी ट्रेनिंग शुरू हो गई बेलगाम ट्रेनिंग सेंटर में। ट्रेनिंग के दौरान में हमारे बेलगाम ट्रेनिंग सेंटर मराठा लाइट इन्फेंट्री में उस टाइम पर बास्केटबॉल का गेम चल रहा था इंटर कंपनी। उस टाइम पर हम लोगों से पूछा गया कि जो नया बैच वाले बच्चे आए हैं रिक्रूटमेंट, इसमें से कोई गेम खेलना चाहता है क्या बास्केटबॉल? तो मैंने हाथ खड़ा किया, जी सर मैं खेलना चाहता हूँ। तो मुझे गेम में इन्वॉल्व कर लिया गया, 15 दिन की प्रैक्टिस दी गई मुझे पहले गेम में, उसके बाद इंटर कंपनी हुआ गेम। तो हमारी जो कंपनी थी इको कंपनी, हम बेलगाम ट्रेनिंग सेंटर में बास्केटबॉल टीम में हमने सेकंड प्राइज हासिल किया, तो वहाँ से मेरा जज्बा बढ़ गया। उसके बाद मुझे रनिंग का शौक पैदा हुआ, 5 किलोमीटर हर दिन हमारी पीटी बीपीटी पीपीईटी डेली का वर्कआउट था बेलगाम ट्रेनिंग सेंटर में। तो नया बैच में जितने भी बच्चे थे 160 बच्चे, उन सब बच्चों से मैं लीडिंग में चलता था। तो मेरा 5 किलोमीटर का टाइमिंग था 16 मिनट का रनिंग का,
और जब मेरा बीपीटी होता था तो बीपीटी भी मेरा 16.5 मिनट में मैं कंप्लीट कर लेता था, भाग कर लंबे ड्रेस दो हथियार के साथ में भागना पड़ता था फुल ड्रेस के साथ। तो सबसे अच्छा अचीवमेंट था ये, अचीवमेंट मेरा लाइफ में 20 साल तक यही टाइमिंग रहा। और इसकी वजह से मैंने आर्मी में 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर रनिंग शुरू कर दिया बेलगाम ट्रेनिंग सेंटर से। जब बेलगाम ट्रेनिंग सेंटर में हमारा रनिंग हुआ तो रनिंग में हमारे को बेस्ट 10 बॉयज में मेरा सुपर 10 में नंबर लग गया। तो मेरे को और शौक बढ़ गया 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर का। फिर हम ट्रेनिंग किए, ट्रेनिंग हमारा हो गया 12 महीने का। उसके बाद हमारी कसम परेड हुई, कसम परेड के बाद में जब हम एक्टिव बटालियन में कश्मीर में चले गए 18 मराठे में, तो वहाँ पर हमारे गेम शुरू हो गए। वहाँ गेम शुरू हुए, बास्केटबॉल भी चल रहा था उधर और बॉक्सिंग भी, तो मैंने बॉक्सिंग और बास्केटबॉल में वहाँ हिस्सा लिया। लेकिन मैं ज़्यादा आगे तक नहीं खेल सका, मैं कंपनी और बटालियन में खेला, ब्रिगेड ड्यू में नहीं जा सका मैं, क्योंकि कंपनी में नया नया था, थोड़ा सीख रहा था। उसके बाद 2 साल मैं रहा कश्मीर में, वहाँ से फिर हमारे को दूसरी पलटन के लिए ऑफर आया कि आप लोग के लिए ऑफर आया है, दूसरी नई बटालियन खड़ी हो रही बेलगाम ट्रेनिंग सेंटर में 26 मराठा लाइट इन्फेंट्री। तो उसमें कोई जवान वॉलेंटियर होके जाना चाहता है क्या नई बटालियन के लिए? तो हमने हाथ खड़ा कर दिया, मैं बोला यस सर, मैं अकरम खान, मैं नई बटालियन में जाना चाहता हूँ पोस्टिंग के लिए, मैं वॉलेंटियर हूँ। कंपनी कमांडर का एंट्री हो गया, उसमें कंपनी कमांडर ने मेरे को यस कर दिया, पास कर दिया। उसके बाद सीओ साहब का एंट्री हो गया, उसने पास कर दिया, बोला बेटा जाओ, और जिस तरह आपने 18 मराठे में नौकरी की है इसी तरह इज्जत से नई बटालियन में भी मराठा ग्रुप का नाम रोशन करना और अच्छा काम करना। मैं बोला जी सर, मैं जाऊँगा और मराठा इन्फेंट्री का नाम रोशन करूँगा। मैं वहाँ से पोस्टिंग होकर बेलगाम ट्रेनिंग सेंटर में 26 मराठे में ज्वाइंट हो गया। वहाँ पर ज्वाइंट होने के बाद 6 महीना हमारी पलटन वहाँ थी। उसके बाद हमारे को 26 मराठे में इन्वॉल्व हो गया। फिर वहाँ से हम चले गए पोस्टिंग, वहाँ से हम पोस्टिंग चले गए दोबारा पंजाब में। तो वहाँ अच्छा काम किया हम लोगों ने, तो वहाँ पर हमारे गेम चलते थे। तो वहाँ गेम में मैं रनिंग में 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर में रनिंग में था, तो मैंने दोनों साल अच्छा फर्स्ट प्राइज हासिल किया रनिंग में। तो बोला गुड, अच्छे बच्चे हो आप, अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे पलटन का नाम रोशन करना। फिर बाद में मुझे लेकर गया बास्केटबॉल में, खेलना चाहते थे, बोला हाँ खेलता हूँ। फिर बास्केटबॉल भी खेला मैंने, लेकिन ब्रिगेड तक ही खेला मैं, आगे नहीं गया, सर्विसेज में नहीं जा सका, क्योंकि बटालियन वाले बोलते थे अगर आप भाग भर जाएंगे तो फिर बटालियन में आपको रहना नहीं पड़ेगा, भारी भाग घूमते रहोगे, इसलिए बटालियन वाले छोड़ते नहीं थे मुझे। ये जो अकरम खान साहब नाम का आज पेड़ बन गया है, जो भारत को सर्टिफिकेट दे रहा है और गोल्ड मेडल दे रहा है एशिया लेवल पर बल्कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर, इसमें कहीं ना कहीं स्ट्रगल आया होगा, क्या स्ट्रगल था, कैसा आपने उसको कोप किया, कैसा आपने उससे लड़ा, और वो लोग जिनको आप याद करना चाहेंगे ताकि नए लोग जो हैं उनकी जिंदगी में जो स्ट्रगल आ रहा है उनको एक हिम्मत मिले कि अकरम खान साहब आज तो ऐसे हैं लेकिन कभी ये भी लड़के आए हैं, जरा वो कुछ कहानी हो तो सामने लाइए। कार मैं आर्मी में सबसे बढ़िया मेरा इवेंट्स था 5 किलोमीटर रनिंग और 10 किलोमीटर रनिंग। मैं 26 मराठा में 10 किलोमीटर रनिंग में जब भी रनिंग किया मैं बेस्ट प्राइज हासिल किया 26 मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर के नाम के लिए। और हर साल मैं नंबर 1 पे रहता था। उसके बाद मुझे बॉक्सिंग में डाला गया, तो बॉक्सिंग भी मैं किया कंपनी के अंदर, कंपनी और बटालियन के अंदर, तो वहाँ भी मेरा अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन मैंने बॉक्सिंग ज़्यादा नहीं खेला। 8 साल तक मैंने बॉक्सिंग किया, उसके बाद मैंने बॉक्सिंग छोड़ दिया। और बास्केटबॉल भी मैं मुश्किल से 5 साल तक किया, छोड़ दिया। लेकिन रनिंग जो था मेरा टैलेंट गेम था, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं पकड़ता था। और माशाल्लाह अल्लाह का करम है, आज भी मैं रनिंग में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता हूँ। मेरे को अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी देन है, नियामत है, कि मैं जिस इलाके में भी चले जाऊँ रनिंग के लिए वहाँ से मैं अपना कामयाबी हासिल करता हूँ। और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह ने मुझे ऐसा नवाज दिया है कि मैं जिस इलाके में भी चला जाऊँ मैं अपना मराठा ग्रुप का नाम
26 मिनट का नाम रोशन करके आता था, लेकिन आर्मी के अंदर में रहते हुए हमको 24 घंटे की ड्यूटी करना पड़ता है, इसलिए हम ज़्यादा गेम को बढ़ावा नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे गेम के साथ साथ ड्यूटी बहुत ज़रूरी है और उसमें हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है। दूसरी बात यह थी कि मैं ट्रेनिंग मास्टर था, हवालदार था, मेरे अंडर में पूरे जवान थे, 30-40 जवान रहते थे, उनका ड्यूटी देखना, उनका वर्कआउट देखना, उनका ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूशन करना और उनके साथ मिल के रहना, साथ ही साथ अपना वर्कआउट करना, थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती थी, इसलिए मैंने कुछ दिन खेलने के बाद बॉक्सिंग और बास्केटबॉल छोड़ दिया। लेकिन मेरा जो एथलेटिक्स का इवेंट्स था वो मैं नहीं छोड़ा और आज भी मैं कर रहा हूँ। अल्लाह के फजल करम से मैं आर्मी से 18.5 साल में रिटायरमेंट हो गया। रिटायरमेंट होने के बाद मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। जब मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ज्वाइन किया तो मुझे लोगों ने बोला स्पोर्ट्स में जाना है, मैं बोला ठीक है सर जाऊंगा। मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से मैं स्पोर्ट्स में गया। जो खान साहब, जैसा कि आपने बताया कि मिलिट्री से रिटायर होने के बाद में आपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो पुलिस का डिपार्टमेंट होता है, उसको ज्वाइन किया और उसके बाद में लोगों ने मशवरा दिया कि भाई आप ये डिपार्टमेंट में रहते हुए भी स्पोर्ट्स कंटिन्यू कर सकते हैं, तो आप अपने वो पहले इवेंट के बारे में बताइए जो आपने अपने ज़िला या स्टेट या देश के लिए किया और डिपार्टमेंट का नाम रोशन किया, डिपार्टमेंट में आपकी किस तरह से साख बनी, पहचान बनी, उसके बारे में बताइएगा। सबसे पहले मैं नया आया 2004 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, तो पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के गेम होते हैं, उसके बाद स्टेट लेवल होते हैं, फिर बाद में नेशनल होता है। जब हमारा सिलेक्शन होता था डिस्ट्रिक्ट से स्टेट के लिए, उस टाइम पे मेरे को थोड़ी सी परेशानी आती थी, क्योंकि सब नए बच्चे थे 18 साल 20 साल वाले और मेरी उम्र थी 36 साल। इस कारण से मेरे को 18 साल का डिफरेंस होने की वजह से नए बच्चों के साथ 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर वर्कआउट में थोड़ा सा मुश्किल पेश आती थी, लेकिन फिर भी इन तकलीफ़ों को जूझते हुए मैं अपना यश कायम करने के लिए मैं उन बच्चों के साथ लड़ाई करता था और यश हासिल करके 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर में इवेंट्स में हिस्सा लिया। 2 साल 3 साल मैं डिस्ट्रिक्ट और स्टेट खेला, 2 साल मैं नेशनल नहीं जा सका, क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस में उतना थोड़ा सा कमतरता थी, क्योंकि एज का फर्क था। 22 साल से लेकर 40 साल तक हमको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ओपन कैटेगरी में खेलना पड़ता है। जब हम 40 साल से ऊपर हो जाते हैं तो फिर मैं वेटरन्स में चले जाते हैं, वेटरन्स, जूनियर वेटरन्स, सीनियर वेटरन्स, 5-5 साल का डिफरेंस है। जब मैं 40 से 45 साल की एज में गया तो वहाँ से मेरा स्ट्रगल शुरू हो गया। मैं फिर 100 मीटर 200 मीटर 400 मीटर गेम में डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल तक गोल्ड मारने लगा। सबसे पहले मेरा 2013-14 में नेशनल में गोल्ड लगा डिपार्टमेंट की तरफ से, और फिर 2016 से जो कंटिन्यूस मेरा नेशनल गेम शुरू हो गया, हर साल 3 नेशनल 4 नेशनल 5 नेशनल खेलता हूँ, मास्टर के, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, सिविल सर्विसेज के जो भी इवेंट्स मुझे मिल जाते हैं, और मैं डिपार्टमेंट से छुट्टी लेके इजाज़त लेके जाता हूँ, उसमें क्वालिफाई करता हूँ, इंशाल्लाह मुझे कामयाबी मिल जाती है और हर साल मेरे को 100 मीटर 200 मीटर 400 मीटर 800 मीटर रनिंग में हर साल के 10 12 15 मेडल नेशनल में मिल जाते हैं। ये मेरी उपलब्धियाँ 6 साल से बरकरार है और इंशाल्लाह 2017 में जब मैं चाइना गया तो 16 में मैंने 4 नेशनल में 16 गोल्ड मारा था। लेकिन हमारे सामने जो खान साहब चले हैं, इनकी अचीवमेंट्स, इन्होंने जो पाया है वो सुनकर मुझे यकीन है कि वो दो खान के साथ आप तीसरे खान साहब को भी जोड़ लेंगे इंशाल्लाह, अकरम खान साहब, क्योंकि इन्होंने इंडिया के लिए कुछ किया हुआ है। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अभी तक इन्होंने ये बताया कि नेशनल यानी इंडिया के और भारत के लेवल पर इन्होंने क्या किया हुआ है, आइए जानते हैं इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर क्या किया हुआ है, पूरे एशिया में कैसे इनके सिक्का चल रहा है, आइए इनकी जबानी जानते हैं। जब मैं 2016 में 4 नेशनल किया
और जब 16 मेडल मैंने प्राप्त किया, मेरे डिपार्टमेंट में श्री श्री भगवान साहब थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नागपुर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक नागपुर में, उनके अंडर में मैं 16 मेडल जीत के आया 2016 में नेशनल में। मैंने साहब से रिक्वेस्ट किया, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट भगवान साहब से, कि साहब मैं चाइना एशियन गेम खेलने जाना चाहता हूँ। अल्लाह माशाल्लाह। तो श्री श्री भगवान साहब ने मुझे कहा कि बेटा तुमने मेरी छाती चौड़ी किया है, मेरा नाम रोशन किया है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नाम रोशन किया है, तो मैं आपको विदेश जाने के लिए इजाज़त देता हूँ, आप जाइए और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का और इंडिया का नाम रोशन करके आइए। मैं बोला सर इंशाल्लाह मैं जाऊँगा और पूरा इंडिया का नाम रोशन करके आऊँगा। मैं चले गया 2017 में चाइना खेलने के लिए। वहाँ गया मैं तो मैं सुपर सिक्स में क्वालीफाई करके आया 200, 400 और 800 में, तो मुझे कामयाबी मिल गई। उसके बाद मैं 18-19 में 2 साल स्ट्रगल किया, लेकिन नेशनल के अंदर ही मैंने 10-10, 12-12 गोल्ड मेडल जीते। फिर मुझे एक मौका मिला 2022 में श्रीलंका जाना है करके, तो मैंने अफसर साहब से इजाज़त लिया, डिपार्टमेंट से इजाज़त लिया कि साहब मैं विदेश जाना चाहता हूँ। श्रीलंका का कौन सा टूर्नामेंट था? श्रीलंका में इंटरनेशनल गेम था, मैं इंटरनेशनल गेम खेलने के लिए गया इंडिया रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मैं वहाँ पर 400 मीटर और 800 मीटर दौड़ के लिए गया था, तो 400 मीटर दौड़ में मेरा नंबर 6 पोजीशन लगा, लेकिन 800 मीटर में मुझे सिल्वर मेडल लग गया। तो मुझे बहुत खुशी हुआ कि मैं इंटरनेशनल मेडल जीत के लेके जा रहा हूँ देश के लिए। एक मौका और मिला एशियन गेम के लिए जो काठमांडू में होने वाला था नेपाल में। मैं अफसर से परमिशन लिया, अफसर ने मुझे इजाज़त दिया, मैं छुट्टी डालकर चला गया। अल्लाह का ऐसा फजल वगैरह हुआ मुझ पर कि मुझे वहाँ पर 400 मीटर में गोल्ड मेडल प्राप्त हो गया और 200 मीटर रनिंग में एक सिल्वर प्राप्त हो गया। तो मुझे बहुत खुशी हुआ, मैं अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया और मेरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का नाम रोशन किया, 26 मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट सेंटर का, बेलगाम सेंटर का नाम रोशन किया। इस खुशी से पूरा डिपार्टमेंट की तो शाबाशी हो गई और डिपार्टमेंट ने पेपर में मेरा नाम दिया, मेरा सत्कार किया, सम्मान किया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नागपुर हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को मेरा सत्कार करते हैं, जो भी पीछे से साहब होते हैं उनके हाथ से मेरा सत्कार होता है और मेरा पेपर में फ़ोटो दिया जाता है और मेरे को प्रमाण पत्र से नवाजा जाता है। और उसके बाद फिर अभी एक साल मेहनत करने के बाद 2022 के बाद। तो दोस्तों जैसा कि हम सुन रहे हैं अकरम खान साहब अपनी ज़िंदगी की कहानी बता रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने अचीवमेंट हासिल किया, इनामात हासिल किए, देश का नाम रोशन किया। तो ये बोल तो बहुत आसानी से रहे, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी जद्दोजहद। मेरी उम्र आज की तारीख में 59 ईयर्स रनिंग चालू है और मैं 55 से 60 साल की एज ग्रुप में जस्ट 15 दिन पहले मैं फिलीपींस देश क्लार्क सिटी एशियन गेम में अटेंड करके आया, जिसमें मैंने 3 इवेंट्स में हिस्सा लिया। सबसे पहले मेरा 800 मीटर रनिंग था एशियन गेम में फिलीपींस में। मैं क्वालिफाई के लिए स्टार्ट में लीडिंग लेके चल रहा था, 600 मीटर तक मैं लीडिंग लेके चला हीट में, और 600 मीटर के बाद में मेरा मसल क्रेम थोड़ा पकड़ लिया पैर का, इसलिए मैं थोड़ा सा फिर स्लो हो गया। 200 मीटर मैं ज़्यादा तेज नहीं खींच सका क्योंकि मुझे मालूम था अगर क्वालिफाई कर लूँगा तो मेरे को आगे कम से कम मेरे को नंबर है खींचने का। तो मैं क्वालिफाई करके छोड़ दिया 800 मीटर में, फर्स्ट पर चल रहा था, लेकिन किसी कारण वजह से पैर का मसल क्रेम पाने की वजह से मैं फर्स्ट पोजीशन से चलते चलते फोर्थ पोजीशन पे चला गया, फिर भी मैंने क्वालिफाई कर लिया। उसके बाद हमारा जो था 4x100 मीटर रिले एक दिन के बाद, उसमें हमने अच्छी कोशिश की, लेकिन हमारा
माइक्रो सेकंड से मेडल चूक गया, हम फिफ्थ पोजीशन पे पहुंच गए, हमारा पांचवा प्लेस लगा इंडिया टीम वर्क का। हम लोग यहाँ से इंडिया के 297 आदमी गए थे, अलग अलग इवेंट्स किए थे सबके, किसी का बॉक्सिंग था, किसी का बास्केटबॉल था, किसी का स्ट्रेपल चेस्ट था, किसी का थाली फेंक था, किसी का भाला फेंक था, किसी का लॉन्ग जंप था, किसी का हाई जंप था, सबके अलग अलग इवेंट्स थे और मेरा इवेंट था सिर्फ एथलेटिक्स रनिंग। कितने मेडल टोटल आए? टोटल इंडिया के लिए 100 से ज़्यादा मेडल प्राप्त हो गए थे और इंडिया फिलीपींस देश में नंबर वन पोजिशन लेके वापस आया। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि वहाँ पर फिलीपींस में 26 कंट्रीज आई थी, जिसमें से हमारे हिंदुस्तान का इंडिया का झंडा सबसे ऊपर था और मेडल में सबसे अच्छा रिमार्क हिंदुस्तान का था। मेरे लिए बहुत फख्र की बात है कि मैं उस टीम का पार्टिसिपेट हिस्सा बनकर गया और क्वालिफाई करके आया और जीत के आया। आने वाले एक साल के बाद में वर्ल्ड मास्टर गेम होंगे, अगर अल्लाह का फर्स्ट वगैरह हो गया, अगर मेरी ताकत कुवत रही, अगर मैं कोशिश किया, तो सोच रहा हूँ कि अगले साल आने वाले साल में 24 में मैं वर्ल्ड अटेंड कर लूँगा। इसमें अगर अल्लाह का मदद मिल गई इंशाअल्लाह मैं वर्ल्ड जरूर अटेंड करूँगा। डिजाइनर परवेज साहब, हम तो तरह अंसारी ये ना वोट के लिए कर रहे हैं ये काम इंटरव्यू का सिलसिला और ना नोट के लिए कर रहे हैं, आपको अच्छे से पता है ये क्यों कर रहे हैं ये भी सुन लीजिए। तीन चीज़ें, लाइक शेयर कमेंट, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट ये कीजिएगा। एक तो ये मैंने पहले आपको विनंती किया हुआ है कि किसको सुनना चाहते हैं खान साहब के बाद, और दूसरा कमेंट ये कीजिएगा कि खान साहब से हम अगर कुछ पूछने में रह जा रहे हैं आप पूछिएगा, इंशाल्लाह ये कंटिन्यू इंटरव्यू खान साहब का पहला या आखिरी नहीं रहेगा, हम कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। मैं खान साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि गवर्नमेंट से आपको क्या उम्मीदें हैं, किस तरीके से आपको और प्रमोट किया जाए, और जो नई जनरेशन है उसको क्या मोटिवेट करेंगे, कैसे मोटिवेट करेंगे कि वो इसमें आए। दो सवाल, एक गवर्नमेंट से क्या उम्मीदें हैं और दूसरा नए लोगों को क्या बोलना चाहेंगे आप? मेरे को गवर्नमेंट से यही उम्मीद है कि मेरा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नागपुर हेडक्वार्टर से जब भी मैं कहीं जाता हूँ खेलने के लिए, तो अफसर लोगों से मैं परमिशन लेता हूँ, इजाज़त लेके जाता हूँ, अफसर लोग मुझे इजाज़त दे देते हैं और इंशाल्लाह मैं जाता हूँ तो मैं कामयाब होके आता हूँ। और अफसरों को सारे पता है नागपुर हेडक्वार्टर के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कि ये बंदा गोल्ड मेडलिस्ट है, मेडल लेके आता है, इसलिए मेरे को आज तक किसी अफसर ने कोई तकलीफ नहीं दी और ना करके नहीं बोला। अभी मैं विदेश जा रहा था तो मेरे को थोड़ा सा वीज़ा का प्रॉब्लम आ रहा था, पासपोर्ट का वगैरह का जाने के लिए और NOC वगैरह के लिए, लेकिन फिर डिपार्टमेंट ने फटाफट बोल के किसी से साहब ने बोल के करवा दिया और मैं चला गया और जाके वहाँ से अपना क्वालिफाई करके वापस आ गया। और रही बात नई जनरेशन के बच्चों के लिए, एक साल के बाद मेरा रिटायरमेंट है, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा जो डिपार्टमेंट के बच्चे हैं उनको अच्छा गाइडेंस करूँ, उनको अच्छा मार्गदर्शन दूँ और आगे क्वालिफाई करके हिंदुस्तान का नाम रोशन करें बच्चे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के। ऐसी मैं कामना करता हूँ, दुआएं देता हूँ बच्चों के लिए, और हो सके तो एक साल के बाद जब मैं रिटायरमेंट हो जाऊँगा तो मैं नागपुर काम ठीक है जितने भी बच्चे हैं एथलेटिक्स वाले उनको अपनी तरफ से फ्री गाइडनेस, फ्री सेवा, फ्री ट्रेनिंग देके उनको ऐसा क्वालिफाई करूंगा कि वो हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करके विदेश जाके हिंदुस्तान का नाम रोशन करे और हिंदुस्तान की कामयाबी के लिए विदेश जाके मेडल जीत कर लाए। यही मेरे लिए आगे भविष्य में नए बच्चों के लिए शुभकामना देता हूँ।